हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल संदीप नरसा में स्वागत है। आज हम सब देखेंगे कि बीएमआई क्या होता है। बीएमआई का मतलब बॉडी मास इंडेक्स होता है। बीएमआई का मतलब इट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया विच हेल्प्स टू असिस्ट द नॉर्मल ग्रोथ और इट्स डेविएशन, दैट इज माल न्यूट्रिशन और ओबिसिटी। बीएमआई क्या होता है? यह एक महत्वपूर्ण मानदंड होता है जो हमें क्या करता है, हेल्प करता है हमें असिस्ट करने में कि हमारी नॉर्मल ग्रोथ हो रही है या हमारी बॉडी का डेविएशन, यानी हम बैक डाउन नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारी नॉर्मली ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो हम ओबेसिटी हो जाएंगे। अगर हमारी बॉडी जो डेविएशन हो रही है, अगर हम नीचे आ रहे हैं बैक फ्लो में, तो हम माल न्यूट्रिशन हो जाएंगे। अब हम इसका देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो बीएमआई का जो फॉर्मूला होता है, वेट इन केजी होता है और हाइट इन मीटर स्क्वायर में होता है। आइए हम सब देखते हैं कि अब हम बी एम आई कैसे निकालते हैं। तो हमें पता हो गया पहले कि बी एम आई का फॉर्मूला क्या होता है। बी एम आई इज इक्वल टू वेट इन केजी होता है और हाइट इन मीटर स्क्वायर में हम इसको निकालते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम खुद का एग्जांपल लेते हैं कि हमारा वेट कितना है, 65 kg है और हमारी हाइट कितनी है, 172 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, 172 जो सेंटीमीटर है, हमें क्या करना है, इसमें मीटर में चेंज करना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो हमारा 1.72 मीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। वेट के जगह पे हम अपना 65 kg लिखेंगे और हमारा हाइट कितना है, 1.72 मीटर का स्क्वायर कर देंगे। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 65 इंटू 1.72 मल्टीप्लाई 1.72, तो हमारा आ जाएगा 65 अपॉन 2.95 और हमें यहाँ पे मिल जाएगा हमारा बीएमआई 22.03। ये हमारा क्या मिल गया, हमको यहाँ पे एक बीएमआई मिल गया। जैसा कि हम देख लिए कि हमारा बीएमआई कितना गया, 22.03। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा बीएमआई नॉर्मल है, ओबीएस है या हम अंडरवेट हैं। जैसा कि हम देख लिए कि हमारा बीएमआई का मान कितना आया था, बीएमआई आया था हमारा 22.03। अब हम इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि हम हमारा जो बीएमआई है वो नॉर्मल वेट में है, अंडरवेट में है, ओवरवेट में है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो 22.03 जो हमारा बीएमआई है, हमारा कहाँ पे है, हम यहाँ पे नॉर्मल वेट में है। अगर हमारा बीएमआई अगर 18.5 से अगर कम रहेगा तो हम अंडरवेट में रहेंगे, और अगर हमारा 25 से अधिक रहेगा तो ओवरवेट में, और अगर 30 और 30 प्लस जाएगा तो हम क्या रहेंगे, ओबेसिटी में आ जाएंगे। आई होप कि यह वीडियो आप सभी लोग को समझ में आ गई है। अगर आप सभी लोग ऐसा ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।